सो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वी एंड ग्रेस। और आज हम आ गए हैं द टीला के मून रिजोर्ट में। दीज आर द ब्यूटिफुल ग्लैम्पिंग रिजोर्ट जो कि मून की शेप में है, बेसिकली कॉल्ड मून टेंट्स। और आज का हमारा डे है काफ़ी स्पेशल बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 6 ईयर्स ऑफ आवर मैरिज। सो हम अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। सो बेसिकली गाइज, ये जो प्रॉपर्टी है ये जयपुर के बिल्कुल पास पड़ती है। और आज का जो हमारा दिन है वो कैसे होने वाला है इसको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। देखो सामने, देखो हो रहा, देखो चले उसमें। ओके लेट्स गो। और भी सारे बहुत सारे होंगे। और बियॉन्ड दिस पॉइंट, एक्चुअली बियॉन्ड द पार्किंग पॉइंट, ये अपनी व्हीकल से लेके जाते हैं हमें रिसेप्शन तक। तो हमने अपना गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ से अब हम जाएंगे इनके व्हीकल में। चलो ठीक है, तो यहाँ से राइड स्टार्ट होगी हमारी। चले ग्रेशु, तो अभी चेक इन हो गया है हमारे यहाँ से। कम ऑन ग्रेस। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने मून टेंट पे। कम ऑन ग्रेस। डॉगी, डॉगी है तो इधर। हेलो। No, no, no. जैसे ही आप इस मून टेंट में एंटर करते हैं तो बिल्कुल एंट्री पे ही आपका जो है वो बेडिंग एरिया है, और जिसपे मैंने जो है और ग्रेस ने जो अपने स्वेटर्स निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है भाई फेब्रुअरी में। और ये देखो, ये छोटा सा इन्होंने हमारे को पेंट्री बना कर दिया है। देखिए कितना अच्छा सा है, नाइस एंड क्लीन। और ये वॉशिंग एरिया है, ये सब स्टोरेज है, सब खाली है। अगर आप चाहें तो अपना हल्का फुल्का कुछ भी बना सकते हैं, क्लीन रहेगा, बेसिकली मैसी नहीं रहेगा। और यहाँ पे एक हॉट वाटर केटल है, कुछ कुकीज़, और ये ई टेबल्स जो है वो यहाँ पर इन्होंने सारे विद रेट्स जो है प्रोवाइड करे हैं। और ये है सैशेज हैं कॉफ़ी के, टी के, 4 वाटर बॉटल्स हमें मिलती हैं इसमें, एक पावर प्लग भी इंक्लूडेड है, मस्ट बी कंसीडर्ड। और यहाँ पर जो है ये है मिनी फ्रिज जिसमें कि जूस और बॉटल्स वगैरह सब प्रोवाइडेड है। और ये देखिए, ये जो है थोड़े बहुत यूटेंसिल्स इन्होंने दिए हैं इफ़ यू वॉन्ट टू कुक समथिंग। सोचने की बात ये है कि बर्तन दे रहे हैं तो कुक किस पे करें, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ट्रैवलर्स आएंगे और ट्रैवलर्स जो हैं वो अपना इंडक्शन वगैरह जो भी है वो अपने साथ रख सकते हैं, आई गेस उस पर्पज़ से है। और ये पूरा जो है टेंट कूल कैसे होता है, यहाँ पर जो है इन्होंने ये एसी प्रोवाइड किया है। ये सारा स्टोरेज के लिए है जिसपे भी मेरा लगेज है। और ये बेड है। अच्छा, यहाँ पर ना टीवी नहीं है। ओके, तो टीवी की जगह क्या है वो कर्टेन्स हटाकर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और हम आ जाते हैं ये अब अपना वॉशरूम एरियाज में। और ये टॉयलेटरी है, सो बॉडी लोशन, देन वैनिटी किट है, ये हमारे डेंटल किट, शेविंग किट, कॉम, शार कैप, स्यूइंग किट, दे हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग बेसिकली, एंड विद दीज टॉवल्स दिस इज द कैपेसिटी।
की बात करें तो जो डेंटल किट है ना, वो मैंने अभी जो रिसेंट होटल्स में जो चीज़ देखी है कि एनवायरनमेंट के सेफ्टी के लिए जो है अब मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो आपके बैम्बू प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो ये भी बैम्बू है और अभी जो ये कॉम है ये भी बैम्बू है। ये देखिए वुडन कॉम जो है दे हैव प्रोवाइडेड। और सोइंग किट, ये पता है क्या, ये वैसे इसकी ज़रूरत इतनी फील नहीं होती है, लेकिन एक बार जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाए और ये ना मिले तो बहुत मैटर करता है भाई। छोटी सी चीज़ है बट आई ऑलवेज कैरी दिस थिंग विद मी, बट यहाँ पर भी मिल गई है तो चलिए ठीक है, एक और एड ऑन हो गया मेरे कलेक्शन में। और ये हमें जो है स्लीपर्स प्रोवाइड किए हैं इन्होंने, जिस पर इनका अपना ब्रांड नेम है। और ये हैंड वॉश हो गया और ये देखिए रेडी होने के लिए दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी फुल साइज मिरर, बस इतना सा मिरर है। और ये देखो ग्रेस के नौटंकी कर रही है, तो इतना सा ही मिरर है। सो बेसिकली इफ़ यू आर गेटिंग रेडी यू कैन नॉट गेट योर कंप्लीट व्यू कि आप कैसे लग रहे हैं, तो आपको जस्ट इतना सा ही दिखाई देगा। ओके सो दिस इज़ द वॉशरूम, छोटा सा ही है बट ठीक है। और ये देखिए बायोटिक के इन्होंने जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, वो पूरी बिग साइज बॉटल्स हैं, शैम्पू कंडीशनर एंड बॉडी वॉश। अब आ जाते हैं टॉयलेट एरिया पे, तो ये भी नीट एंड क्लीन है। और फीमेल्स के लिए जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, दे है प्रोवाइडेड हेयर सैनिटरी पैड्स। सो ठीक है, मस्ट बी कंसिडर्ड दीज थिंग्स, दीज नेचुरल थिंग्स। बाकी नीट एंड क्लीन पूरा प्रॉपर है। और अब आ जाते हैं हम टेंट के इस साइड, और ये देखिए ये अभी ही बाहर का व्यू जो है वो कोई नहीं है दूर दूर तक, तो शाम को देखते हैं बाहर का क्या व्यू रहता है। तो गाइस देखिए शाम हो गई है और हमने सनसेट का अभी बहुत ही प्यारा नज़ारा लिया है, वहाँ हमारा सनसेट हुआ था। अभी देखना मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, ग्रेस बोर हो रही थी रूम में, तो मैंने कहा चलो बाहर का मौसम को देखते हैं क्या कुछ नज़ारे हैं, क्या कुछ हो रहा है, एक्टिविटी में क्या है। तो चलिए लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और वहाँ देखिए वहाँ मुझे ज़्यादा मज़े का सीन लग रहा है, वहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं और वो एक्टिविटी कुछ चल रही है। एक्चुअली ये इनका ही रिजोर्ट का प्रोग्राम है, एक्चुअली ये लोग कह रहे हैं कि अराउंड 150 की गैदरिंग आई हुई है, आई थिंक कॉर्पोरेट गैदरिंग है कोई, तो उनका पूरा एंजॉयमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ इन्होंने। ग्रेस तो गाइस देखिए वहाँ जो है वो है हमारा मून टेंट, और वहाँ से यहाँ तक ये जो है ये बेसिक इनका कॉमन एरिया है फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर एटसेट्रा। और यहाँ से यहाँ पर जो है ये देखिए ये इन्होंने कुछ कबानास बनाए हुए हैं, ये है जैसे ये है। सो दीज आर फॉर द प्राइवेट डिनर, अगर आप कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स कराना चाहते हैं अपने कोई पार्टी की या कुछ भी स्पेशल ओकेजन है आपका, तो उसके लिए ये आपके प्राइवेट डिनर के लिए। देखो कितना प्यारा व्यू है और कितना अच्छा सा इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। इफ यू कैन सी देयर आर रोज पेटल्स हियर, अभी सूखी हुई है, कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा मतलब। बैठिए बैठिए आइए आइए। और एक वहाँ पर भी है, वो भी बहुत एक वो उधर बनाया हुआ है। देखिए शाम को ये इस तरह की लाइटिंग होती है, और देखिए यहाँ पे हमारे टेंट के नीचे भी देखिए लाइटिंग। हेलो ग्रेशियू। सो गाइस वी आर रेडी एंड दिस इज माय लुक फॉर टुनाइट। और अभी बाहर आ गई है हमारी गाड़ी, अब हम जा रहे हैं हमारे डिनर के लिए।
तो लेट्स सी और देखते हैं क्या सरप्राइज है। और ये देखिए ग्रेस तो पहले ही अंदर जा चुकी है कार के। पापा उधर आ जाएं। उधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। ओके। हेलो ग्रेसी। हेलो, मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ बैठे हो, अंकल के पास बैठे हो आप? ये तो बैठने की जगह नहीं है, वो अंकल का हैंड रेस्ट है उधर वो। हाँ जी सर। क्या करेंगे? और ये देखिए ये रास्ता। इतना एडवेंचर तो इसी गाड़ी में हो जाता है, वो एटीवी की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, सो दिस इज द कार। सो दिस इज द अरेंजमेंट फॉर आवर एनिवर्सरी नाइट। ग्रेस वेट वेट वेट, कैंडल्स बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ बेटा। कैंडल्स है, देखो फायर है। कम ऑन मामा, कम ऑन ग्रेस। So pretty, thank you. Wow, flowers. Thank you. Happy anniversary, Grace. Happy anniversary, bolo. Love you. Cake. And this is our anniversary cake. Uncle cake. Blow, blow. Happy anniversary. Yay, we have completed 6 years. Yay. Chalo. Strawberry. Grish, aap strawberry to khate nahi ho? Nahi khati. अब ग्रेस के लिए ना प्लेट में मैं निकाल के रख दी। हमने जो स्टार्टर्स में जो मंगवाया था तो वो ऑर्डर आ गया है हमारा। दिस इज़ माय फेवरेट हनी चिली पटेटो एंड ये क्रिस्पी कॉर्न्स एंड दिस इज़ हरा भरा कबाब। अब देखने में तो यम लग रहे हैं और जो मेन चीज़ है वो है ये पिज़्ज़ा, फार्म हाउस पिज़्ज़ा। देखने में तो काफ़ी यम लग रही है ये टेबल, तो देखते हैं खाने में कितनी यम है। और अभी इसे झट से फिनिश करके हम आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डिनर हो गया है यहाँ पर। मेन कोर्स हम टेंट में ही लेंगे क्योंकि अभी थोड़ी ठंड बढ़ गई है, हवा थोड़ी तेज़ चलने लगी थी। आप देखिए कैसे हवा चल रही है और ग्रेस को भी ठंड लग रही थी, तो कार आ गई है या यूट्यूबर्स तो बैठ चुके हैं। चलिए टेंट में चलते हैं। दिन में इतनी गर्मी थी और रात को इतनी ठंड हो गई है। तो हम आ गए हैं। एक्चुअली बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और मेरी ये ड्रेस उस ठंड को बेयर नहीं कर सकती, तो बेटर है कि अपने रूम में बैठो भैया और डिनर करो शांति से। क्योंकि वहाँ हमने स्टार्टर्स ले लिए थे, सूप ले लिए थे, तब तक इट वॉज ओके, लेकिन अभी काफ़ी विंडी हो गया है तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। एक्चुअली मैं तो फिर भी चलो झेल लूँगी, लेकिन ग्रेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड वेदर हो गया ना। तो थैंक यू फॉर दिस लवली फ्लावर्स हस्बैंड, और केक भी बहुत टेस्टी था एंड ओवरऑल सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी मैं इसको फटाफट से चेंज कर लेती हूँ और डिनर जो है अपने कंफर्टेबल अपने पजामास में करेंगे। उसके डैड जो हैं, ये जो हमने दुनिया भर का डिनर ऑर्डर कर लिया है, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आर होल पेंट्री इज़ फुल। सो दिस इज़ बिरयानी, दिस इज़ बूंदी रहता, ये हमारी रस मलाई, ये गाजर का हलवा, दिस इज़ दाल, दिस इज़ पार्टी। ये देखिए लेट नाइट 11:30 व्यू।